नमस्कार मैं हूं शशि आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं डाक विभाग में झारखंड बिहार के बारह युवाओं को मिलेगा रोजगार बिहार झारखंड के युवाओं के लिए खुशखबरी है मैट्रिक व इंटर पास युवा डाक विभाग में रोजगार प्राप्त कर सकते हैं इसके लिए बड़े पैमाने पर देश भर में बहाली निकाली गई है बिहार झारखंड के बारह युवाओं को रोजगार मिलेगा दरअसल डाक विभाग ने अब ग्रामीण इलाकों में ग्राहकों को बैंकिंग सुविधा प्रदान कराने की योजना बनाई है इसके तहत हर पाँच किलोमीटर के अंतराल पर एक एक शाखा डाकघर खोला जाएगा इसके लिए देश भर में तेरह हजार दो सौ तिरासी युवाओं की जरूरत पड़ेगी कहाँ कितने डाकघर खोलेंगे इसकी जानकारी स्थानीय अधिकारियों से मांगी गई है पोस्ट मास्टर जनरल मनोज कुमार ने बताया है कि बिहार में छत्तीस शाखा डाकपाल चालीस ग्रामीण डाक सेवक सहायक व एक डाक सहायक का पद सृजित किया गया है पत्र के अनुसार झारखंड में पाँच सौ अड़तालीस शाखा डाकपाल 577 ग्रामीण डाक सेवक सहायक 27 डाक सहायक 6 निरीक्षक व 12 डाक मेल ओवरशियर की बहाली होगी डाक विभाग की ओर से उत्तराखंड में 340 तो उत्तर प्रदेश में एक युवाओं की बहाली की जाएगी झारखंड में मौसम ने फिर से अपनी करवट बदली है इस कारण लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है अगले तीन दिनों तक ऐसी ही स्थिति रहने का अनुमान मौसम केंद्र रांची ने लगाया है कुछ जिलों में बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी भी किया गया है बता दें मौसम केंद्र रांची ने झारखंड के देवघर जामतड़ा कोडरमा बोकारो धनबाद डी रामगढ़ और हजारीबाग जिले के कुछ भागों में मध्य दर्जे के मेघ गर्जन वज्रपात के साथ साथ बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया है वहीं मौसम केंद्र के अनुसार इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से सतही हवा भी चल सकती है बता दें मौसम केंद्र रांची ने वज्रपात की संभावना वाले इन जिलों के लोगों से आग्रह किया है कि सतर्क रहे वज्रपात के दौरान सुरक्षित स्थान में शरण लें पेड़ के नीचे न रहें और बिजली के खंभों से दूर रहे किसान मौसम सामान्य होने तक खेतों में न जाए जैकबोर्ड की कॉपियों का मूल्यांकन कार्य शुरू रिजल्ट जून तक आने की उम्मीद झारखंड बोर्ड परीक्षा के उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य रविवार से शुरू हो गया है झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा कॉपियों का मूल्यांकन राज्य के छियासठ केंद्रों में शुरू किया गया है मूल्यांकन कार्य के लिए करीब दस हज़ार शिक्षकों को लगाया गया है बता दें मूल्यांकन कार्य मई के दूसरे हफ्ते तक समाप्त होने की उम्मीद है जिसके बाद मई के अंत तक रिजल्ट प्रकाशित कर दी जाएगी सभी मूल्यांकन केंद्र उन्नीस जिलों में बनाए गए हैं वहीं मैट्रिक की कॉपियों की जांच के लिए 35 और इंटर की कॉपियों की जांच के लिए 31 केंद्र बनाए गए हैं बता दें इस बार भी मूल्यांकन को लेकर कड़े नियम बनाए गए हैं परीक्षक को छोड़ कोई भी कर्मी मूल्यांकन कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकेगा साथ ही सेवानिवृत्त शिक्षकों का योगदान मूल्यांकन कार्य में नहीं लिया जा रहा है शिक्षक की जिस विषय में नियुक्ति हुई है उसी विषय की कॉपी का मूल्यांकन वे करेंगे आई ए छवि रंजन से आज होगी पूछताछ हो सकती है गिरफ्तारी जमीन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी ने रांची के पूर्व उपायुक्त आईएएस अधिकारी छवि रंजन को सोमवार की सुबह ग्यारह बजे पूछताछ के लिए बुलाया है पूर्व के दो समन पर जब वे नहीं पहुंचे तो ईडी ने शुक्रवार को ही तीसरा समन भेज दिया था ईडी पूछताछ के लिए उन्हें समय देने के पक्ष में नहीं है सूत्रों की माने तो अब जो संभावना बन रही है उसके अनुसार वे गिरफ्तार भी हो सकते हैं जानकारी के मुताबिक ईडी उन्हें दो बार पूछताछ के लिए बुलाई और पूछताछ में संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने पर गिरफ्तारी भी कर सकते हैं सभी संभावनाएं है अभी बरकरार है छवि रंजन के विरुद्ध ईडी को गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त साक्ष्य भी मिल चुके हैं ईडी को यह भी सूचना मिली है कि छवि रंजन वरिष्ठ अधिवक्ताओं से कानूनी सलाह भी ले रहे हैं झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का वीडियो वायरल होने पर दर्ज कराई प्राथमिकी झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है वायरल वीडियो को लेकर मंत्री ने जमशेदपुर के बिष्टुपुर साइबर थाना में अज्ञात के खिलाफ वीडियो वायरल करने की प्राथमिकी दर्ज कराई है बता दें रविवार देर शाम बन्ना गुप्ता ने एस को पत्र लिखकर बताया है कि मेरी तस्वीर लगाकर किसी अज्ञात व्यक्ति ने एक आपत्तिजनक अश्लील वीडियो वायरल किया है मामले में प्राथमिकी दर्ज कर साइबर सेल से इसकी जांच कराई जाए बता दें कि रविवार को सोशल मीडिया में स्वास्थ्य मंत्री बना गुप्ता का वीडियो वायरल हुआ आपत्तिजनक अश्लील वीडियो वायरल होने पर मंत्री ने इसे गंभीरता से लेते हुए जमशेदपुर के बिष्टुपुर साइबर थाना में मामला दर्ज कराया है इस मामले में मंत्री बना गुप्ता ने कहा है कि सोशल मीडिया में, में मेरी छवि को धूमिल करने और राजनीतिक विद्वेष की भावना से कुछ प्रमुख राजनीतिक विरोधियों ने साजिश के तहत एक फर्जी वीडियो वायरल किया है लोबिन हेम्ब्रम ने खतियान बचाओ महाजुटान में कहा लड़ने के लिए तैयार हैं हम रांची स्थित पुराना विधानसभा मैदान में रविवार को बोरियो विधायक लोबिन हेम्बरम ने खतियान बचाओ महाजुटान का आयोजन किया इस दौरान बोरियो विधायक ने कहा है कि हम लड़कर कर लोगों की जमीन वापस दिलवाएंगे अगर ये लड़ाई अपनी ही सरकार के खिलाफ हो तब भी लड़ेंगे क्योंकि आज अपनी ही सरकार गलत कर रही है पूरे झारखंड में आदिवासियों की जमीन लूटी जा रही है इसी लूट को रोकने के लिए आज हम इस मंच पर एकत्रित हुए हैं आज लोगों को जगाने का काम करेंगे ताकि सभी को अपने अधिकार के बारे में पता चल सके और हम सरकार को आईना दिखा सके वहीं जमीन घोटाला मामले को भी उन्होंने उठाते हुए कहा कि राज्य में कई ऐसे सी हैं जो जमीन दलालों के साथ संलिप्त पाए जा रहे हैं ईडी की जांच भी की जा रही है अब हमारा प्रयास है कि झारखंड में जो भी जमीन घोटाला हुआ है उसके लिए रणनीति बनाकर वापस लिया जाए आईपीएल 2023 के बाद नहीं दिखेगा धोनी का जलवा कैप्टन कूल और चेन्नई सुपर किंग के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने आईपीएल से संन्यास का इशारा कर दिया है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को पहले ही अलविदा कह चुके हैं माही साल में दो महीने सिर्फ आईपीएल ही खेलते हैं लेकिन जल्द ही वे इस टूर्नामेंट में भी खेलना बंद कर सकते हैं दरअसल आईपीएल के सोलहवें सीजन में सनराइज हैदराबाद के ख़िलाफ़ मिली जीत के बाद कमेंटेटर हर्षा भोगले से भविष्य के बारे में बातचीत करते हुए धोनी ने कहा सब कुछ बोला और किया जा चुका है चाहे मैं जितना भी लंबा खेलूँ लेकिन यह मेरे करियर का आखिरी चरण है इसका लुफ्त उठाना जरूरी है झारखंड में बंद हो जाएगी मोबाइल मेडिकल यूनिट सेवा झारखंड के दुरुस्त क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सामान्य स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए संचालित मोबाइल मेडिकल यूनिट बंद की जाएगी ऐसा एक बार में नहीं किया जाएगा बल्कि चरणबद्ध तरीके से धीरे धीरे अगले पाँच सालों में राज्य में संचालित सभी मोबाइल मेडिकल यूनिट को हटा दिया जाएगा लेकिन मोबाइल मेडिकल यूनिट को हटाने से पहले राज्य में संचालित सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं स्वास्थ्य उप केंद्रों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में तब्दील किया जाएगा बता दें हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में बारह पैकेज में प्राथमिक स्वास्थ्य की व्यापक सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएगी स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त सचिव विशाल चौहान ने स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह को इस बाबत निर्देश भेजा है झारखंड में कोरोना से एक की मौत चतरा के एक कोरोना संक्रमित मरीज की मौत रविवार को हो गई है हाँ। वह इलाज के लिए गया के अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती था एक हफ्ते के दौरान झारखंड के दूसरे कोरोना संक्रमित की मौत है इससे पहले 16 अप्रैल को जमशेदपुर में एक कोरोना संक्रमित की मौत हुई थी बायोमेट्रिक उपस्थिति के लिए ख़राब मशीन होगी दुरुस्त राज्य के सरकारी विद्यालयों में बायोमेट्रिक उपस्थिति के लिए शिक्षा विभाग गंभीर है इसके लिए विभाग ने स्कूलों में खराब पड़े टैब और मंत्रा डिवाइस को बदलने का निर्णय लिया है झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं इस निर्देश के तहत स्कूलों को खराब टैब और मंत्रा मशीन को जमा कराने का निर्देश दिया गया कहा गया है कि मशीनों को जिला परियोजना कार्यालय में जमा कराए ताकि जिस कंपनी से मशीनें खरीदी गई है उसके माध्यम से उसे ठीक कराया जा सके धन्यवाद